हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, और इसमें कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट बाय बाय मैंने खुद लिखा नहीं है। हाँ, कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, तो एक पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अच्छा, कॉन्टिन्यूस कैसे पता लगता है कि कोई मतलब फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है? तो उसके लिए देखो, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये ग्राफ है, और मैं इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, टू पॉइंट के ऊपर। तो कॉन्टिन्यूटी का एक रूल है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो टू के ऊपर एट एक्स इक्वल टू टू, फिर आप राइट हैंड लिमिट चेक करो एट एक्स इक्वल टू टू। जब दोनों ही इक्वल आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों जब इक्वल आएंगी, तो इससे ये तो साबित नहीं हुआ कि ये आपका क्या है कॉन्टिन्यूस। आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे जैसे टू के ऊपर वैल्यू मान लो फोर है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो फोर आ जाएगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू टू के ऊपर क्या आएगी? टू के ऊपर होल है मान लीजिए, ठीक है। अगर फंक्शन की वैल्यू टू के ऊपर हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे एक और है, इस तरीके से ये ग्राफ है। सो जैसे वन के ऊपर मैं आपसे पूछूं, वन के ऊपर जैसे वैल्यू टू आ रही है, और इधर से जब आप अप्रोच कर रहे हो तो थ्री आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट टू आ रही है लेकिन राइट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है। सो ये ग्राफ डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है जी। चलिए अब आपको मैं आगे ले जाता हूं, और ये क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द फंक्शन डिफाइंड ऑन पाई बाय सिक्स से लेके पाई बाय थ्री के बीच में बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस, देन के इज इक्वल टू। अगर ये कॉन्टिन्यूअस है तो के की वैल्यू हमें बताइए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो पहले तो लिमिट निकालो, ठीक है, फंक्शन की पाई बाय फोर के ऊपर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लिमिट आनी चाहिए, जो भी लिमिट आएगी पाई बाय फोर से पहले या पाई बाय फोर के बाद, वो पाई बाय फोर के ऊपर जो भी आएगी वो के इक्वल होगी। के इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय फोर अंडर रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन। ये चलो एक पाई बाय फोर के ऊपर लिमिट चेक करो क्या आ रही है, वही के की वैल्यू आएगी, है ना। देखो अगर पाई बाय फोर पुट करेंगे, वन बाय रूट टू, वन बाय रूट टू आएगा ना यहाँ। वन बाय रूट टू पुट करेंगे तो वन माइनस वन जीरो अपॉन कॉस एक्स माइनस वन, ये कॉस है, कॉस नहीं कॉट होगा यहाँ जी। हाँ तभी तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बनेगी, सॉरी ये कॉट एक्स है, कॉट एक्स। तो कॉट पाई बाय फोर वन होता है, तो वन माइनस वन जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। अच्छा जब जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है तो लिमिट आप इजीली फाइंड आउट कर दोगे, ऊपर डिफरेंशिएट कर दो नीचे भी कर दो, इजीली हो जाएगा, क्यों हमने कोई लेंथी मेथड यूज करना है, लेंथी है ना। इजीली ऐसे ही कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल लगाओ और आंसर निकाल दो। ऐसे मेथड तो और भी हैं करने का इसको, है ना। चले करें, या तो एक तरीका और भी है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालो, राइट हैंड अलग निकालो, या डिफरेंशिएट कर दो जब भी बताया आपको, ठीक है। वहां से आपके की वैल्यू निकालो, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो साइन एक्स ही होगा, रूट टू साइन माइनस साइन एक्स वन का जीरो अपॉन कॉट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन? अगर मैं आपसे कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स को लिख लेते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ऐसे लिखते हैं ना, साइन एक्स का ऊपर डिफरेंशिएशन बैठा है, यू अपॉन वी वाली फॉर्म लगेगी, वी स्क्वायर नीचे और फिर साइन एक्स बाहर, फिर कॉस एक्स का भी माइनस साइन एक्स आएगा, फिर इस बार कॉस एक्स बाहर और साइन एक्स का करेंगे क्या आएगा, कॉस एक्स ही आएगा, तो कॉस का एक्स आएगा। ये है ना, तो ये आ जाएगा माइनस कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू वन होती है, और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। माइनस वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये अगर हम यहां पुट कर दें, देखो मैं गड़बड़ तो नहीं, कुछ नहीं, माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस हाँ ये है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये। यहां आ जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय फोर, पाई बाय फोर पुट करो, ये आ जाएगा माइनस, मैंने वैसे कर दो तो आ जाएगा वन अपॉन पाई फोर पुट किया,
रूट टू का स्क्वायर, वन बाय टू, तो ये सिंपली आ गया आंसर आपका वन बाय टू। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन में था ही कुछ नहीं है ना। वैसे तो एक बहुत ही बुक्स वगैरह में आप देखो कि बड़े मेथड से कराया गया है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। सो मैं तो ऐसे ही पहले इसको इजी मेथड से ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करना आपने, है ना। 5 मिनट में हो गया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, जे एडवांस 1999 में आया क्वेश्चन, द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट व्हाट पॉइंट। हाँ जी, किस पॉइंट के ऊपर डिसकंटीन्यूअस है, जरा जल्दी से सोचिए। हाँ जी, द फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट व्हिच पॉइंट। देखो बेटा, अगर एक्स एक पॉइंट है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, जब आपका एक्स जो है वो इंटीजर में बिलोंग करता है, ठीक है। अगर इंटीजर में बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली ये भी माइनस होके क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, जीरो। अच्छा, इंटीजर में बिलोंग करता है, अगर ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या आएगी भाई, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, दोनों सॉल्व होके क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। सो ये तो सिंपल था, ये तो जीरो ही आ जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट तो यही हुआ ना। जब एक्स इंटीजर नहीं है, जब आपका एक्स इंटीजर नहीं है, वेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एन इंटीजर, जब इंटीजर नहीं है तो मान लेते हैं एक्स जो है वो जीरो वन के बीच में, ठीक है। तो ब्रैकेट एक्स क्या होगा, तो ब्रैकेट एक्स होगा हमारा जीरो, ठीक है, ओके। एंड अगर एक्स स्क्वायर जीरो से वन के बीच में है, एक्स स्क्वायर जो है वो जीरो वन के बीच में है, तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो ही आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर जीरो वन के बीच में है ना, तो ब्रैकेट एक्स स्क्वायर जीरो आएगा। और ब्रैकेट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, और अगर हम ले लें एक्स स्क्वायर वन और टू के बीच में, तो ठीक है, दूसरा केस है एक्स स्क्वायर वन और टू के बीच में, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को ले लो वन और टू के बीच में, तो इस बार ब्रैकेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, इस बार वन आएगी, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स जो है, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक बार आपने जीरो से वन ले लिया, एक बार वन से टू ले लिया है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, सो एफ एक्स हमारा आ जाएगा। और जब एक्स वन और, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर यहां से आप निकालो एक्स वन और टू के बीच में, तो एक्स स्क्वायर ऑब्वियसली वन ही होगा, सही है। हाँ, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो इफ एक्स जीरो से वन के बीच में है, तो एक्स जीरो, या लिख लो एक्स जीरो रूट टू के बीच में, ठीक है, वन और रूट टू के बीच में है, तो वैल्यू वन, इसकी वैल्यू भी वन आएगी और इसकी भी क्या आएगी, वन ही आएगी, तो जीरो ही आएगा फिर भी एफ एक्स, ठीक है। सो एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस इन माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस इन, एफ एक्स इज डिसकंटीन्यूअस इन माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन रूट टू से इंफिनिटी, ठीक है। और मैनी अदर पॉइंट्स, और भी कई पॉइंट्स पे होगा, सो ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो एंड वन, पर जीरो वन को छोड़ दो, बाकी सारे इंटीजर्स पे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, माइनस इंफिनिटी से जीरो की तरफ आप जब आ रहे हो, और रूट टू से जब आप इंफिनिटी की तरफ जा रहे हो, ओके, ठीक है। और मेनी अदर पॉइंट्स, देयरफॉर कौन सा ऑप्शन सही है, बी, ऑल इंटीजर एक्सेप्ट जीरो एंड वन, कोई डाउट है, सो यही होगा, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन रूट टू से कॉन्टिन्यूस आना चाहिए ना, मैनी अदर पॉइंट्स, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन रूट टू से इंफिनिटी, और जीरो वन के, जीरो रूट टू के बीच में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है ना, सही है फिर, तो बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट x इक्वल टू टेन स्क्वायर x ब्रैकेट देन एबीसीडी ऑप्शन नहीं है, लिमिट x टाइम टू जीरो fx डज नॉट एग्जिस्ट, बी ऑप्शन है fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो, fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू जीरो और f टाइम जीरो बन दिया हुआ है, चले करें। सो जो हमें गिवन है fx इक्वल टू ले लो टेन स्क्वायर ब्रैकेट x, ये fx इक्वल टू टेन स्क्वायर x ब्रैकेट है ना, ये आप क्या करोगे, ठीक है, तो x माइनस 45 से 45, x माइनस 45 डिग्री से 45, सो tan ले लो दोनों साइड, ठीक है, tan लिया तो आएगा tan माइनस 45 tan x tan 45, और हमें पता है इसकी वैल्यू तो माइनस वन होगी, तो टेन एक्स जो है वो हमारा माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है नहीं, और टेन एक्स जब माइनस वन और वन के बीच में है तो टेन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कम होगा, जीरो और वन के बीच में होगा, और टेन स्क्वायर एक्स अगर जीरो वन के बीच में तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी ब्रैकेट की, ठीक है। सो जब आपको समझ आ गया है ना, so fx is 0 for all values of x from minus 45 to 45 degree, ठीक है, thus fx exists when x tends to 0 and also it is continuous at x equal to 0, fx is differentiable at x equal to 0 and has a value of 0, therefore b is the right answer, मतलब continuous कहाँ पे होगा, at x equal to 0 fx is continuous at x equal to 0, क्या रीजन है वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है, फिर से दोबारा से मैं बता देता हूं कि fx जो है वो continuous है at x equal to 0, मैंने किस हिसाब से बोला, क्योंकि x को आपने लिया माइनस 45 से प्लस 45, ठीक है, यही तो लेंगे इंटरवल, ठीक है, और फिर tan ले लिया tan x माइनस 1 से 1 हो गया, tan square x 0 से 1 हो गया, और tan square x का ब्रैकेट 0 हो गया, ठीक है, एफ एक्स एग्जिस्ट वेन एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड हैज अ वैल्यू ऑफ जीरो, नॉन डिफरेंशियबल का तो ऑप्शन नहीं है, डिफरेंशियबल तो होगा और कंटिन्यूस भी होगा। नेक्स्ट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेशन इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये कहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, सो ऑल एक्स नो एक्स ऑल इंटीजर पॉइंट्स एक्स विच इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, सो चलिए करते हैं कहां पे ये डिसकंटिन्यूस होगा, चलिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम चेक करेंगे, माइनस वन से जीरो फिर जीरो से वन ऐसे बढ़ेंगे, है ना, माइनस वन से जीरो फिर जीरो से वन, जब आपका एक्स माइनस वन से जीरो होगा और जब जीरो से वन होगा फिर वन से टू फिर टू से थ्री, इस तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है, माइनस वन से जब जीरो जाओगे तो इसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, तो आ जाएगा माइनस कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये जीरो से वन जाओगे जीरो आ जाएगा पूरा, है ना, वन से टू आ जाएगा कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू और बाहर फाइव, है ना, और टू से थ्री जाओगे तो आएगा टू कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू फाइव, ये ठीक है जी, विच शोज राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है एट एक्स इक्वल टू एन, ठीक है, यानी तो विच शोज राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू एन, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू एन, एट एक्स इक्वल टू एन, और जो एन है वो इंटीजर और बिलोंग करता है and belongs to integer, ठीक है, as if x equal to 1, as if x equal to 1, ठीक है, so अगर ये continuous है तो limit जो है left hand limit और right hand limit दोनों ही equal होगी, ठीक है, the function this डिसकॉन्टिन्यूस, और ये कहां पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा वो हमें देखना होगा,
ठीक है। सो एफ वन पहले बताओ क्या आ रहा है। एफ वन फंक्शन की वैल्यू वन के ऊपर क्या आ गई है, एफ वन इक्वल टू जीरो आ रहा है ना। एफ वन हमारा जीरो आ रहा है, देखो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन, तो वन पे क्या है कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। कैसे भी वन के ऊपर कॉन्टिन्यूस कैसे हो गया, समझ में आई वो बात आपको कि नहीं। ठीक है, सिमिलरली व्हेन एक्स इक्वल टू टू, जब आपका एक्स टू होगा तो क्या आएगा, तो भी जीरो जीरो। सिमिलरली व्हेन एक्स इक्वल टू टू, जब आपका एक्स टू है तो वही लिमिट एक्स टेंड टू टू माइनस एफ एक्स को लाएगी लिमिट एक्स टेंड टू टू प्लस एफ एक्स, ठीक है नहीं। सो ये हो गया और ये जीरो आ जाएगा, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट नो एक्स, दैट इज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट नो एक्स, किसी भी वैल्यू के लिए डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पता लग नहीं वैल्यू यहां से आपको, एक्स इक्वल टू के ऊपर हमने चेक किया लिमिट जो आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों ही जीरो आएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस वन, देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। देखो बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जितने भी डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सभी नॉन डिफरेंशियबल है, लेकिन सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। जैसे ये वाला कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशियबल नहीं है क्योंकि यह शार्प एज बन रही है, ठीक है। सो एफ एक्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, एबीसीडी ऑप्शन दिए हुए हैं, और पहले तो एफ एक्स के बारे में ही हमें पता करना है, तो चलिए एफ एक्स के बारे में। एफ एक्स वुड एग्जिस्ट जब आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो चाहिए और एक्स प्लस वन भी ग्रेटर देन जीरो चाहिए, इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो यहां से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा और यहां एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है, ठीक है जी। तो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, लिख देता हूं एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों, एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर मैंने लिख दिया एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिख देता हूं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। Hence option C is correct. एग्जिस्ट नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड साइड से आप आ नहीं सकते जीरो की तरफ क्योंकि एक्स जीरो से बढ़ा देना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन जो दिया है, इसमें लिखा है कि द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये शायद आपको प्रॉपर नाम दिख रहा हो, एट एक्स इक्वल टू जीरो द वैल्यू विच शुड बी असाइन टू एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एट एक्स इक्वल टू जीरो कौन सी वैल्यू आप असाइन करें सो दैट इट इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, सो ये कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है। सो क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। सो चलिए करते हैं, पहले तो एफ जीरो ही निकाल देते हैं, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो लॉग वन प्लस ए एक्स माइनस लॉग वन माइनस बी एक्स, ये ठीक है, ये तो आपने लिख लिया सही है ना। अब आप क्या करोगे, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और इसके अगर मैं डिनोमिनेटर में आई थिंक डिनोमिनेटर में एक्स था, सॉरी ये मैंने लिखा नहीं, ये था और इसके पूरे डिनोमिनेटर में एक्स आ जाएगा, ओके। तो जीरो के ऊपर हम लिमिट निकालते हैं, क्या आती है देखो, सेपरेट कर दो इसको, क्या जाएगा लॉग वन प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स अगर मैं लिख देता हूँ माइनस लॉग वन माइनस बी एक्स अपॉन बी एक्स,
अगर आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी ऐसे करिए, और लिमिट वही x टेंड्स टू 0, यहां भी वही काम ही है, लिमिट x टेंड्स, मैंने इधर से लगा दी लिमिट, है ना सेम। सो log 1 plus x upon x की लिमिट तो बच्चा बच्चा जानता है, इसकी लिमिट तो आप लोगों को भी आती होगी, ठीक है। सो इसकी लिमिट आ जाएगी 1 इस पूरे की, और a तो है ही है, a टू 1 माइनस b इंटू 1, सो दैट इज आंसर a माइनस b, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो चलिए आगे, एक मिनट को, माइनस प्लस की गलती ना हुई हो, चेक कर लेंगे, माइनस बी एक्स है माइनस होना चाहिए और ये प्लस आ जाएगा। अब ठीक है, सो ए प्लस बी आएगा बेटा, यहाँ थोड़ी सी गलती होगी ना, ये एग्जाम में भी बच्चों ने किया होगा, एडवांस में आया ना, हाँ किया होगा पक्का। सो चलिए, और ये मैंने 6 क्वेश्चंस कराए हैं, इतने रखते हैं अभी, ठीक है, और 20 मिनट का लेक्चर ही बना ये, लेकिन 20 मिनट में मैंने 6 क्वेश्चंस जो करा दिए हैं आपको, इनको ट्राई करो, अगर लगता है कोई डाउट है तो मुझसे पूछो आप लोग, ठीक है, चलिए, थैंक यू।